हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? तो यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए थे। जैसे मैंने कहा, अभी हस्बैंड को लेके जाती हूँ एवरी डे। अराउंड हम लोग ना इन बिटवीन 6 to 7 के बीच में निकल जाते हैं। उससे अगर ज़्यादा देर हो जाए ना तो बहुत गर्मी, अभी बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो बारिश हर दिन हो रही है, शाम को इतनी ज़ोरों से बारिश होती है, और फिर क्या बोलते हैं कि वही डे टाइम में ना गर्मी हो ही जाती है। सो बहुत ही ज़्यादा गर्मी, इस हिसाब से हम लोग हो सके उतना 7 बजे से पहले ही निकल जाते हैं। और उसके बाद आने के बाद वही पानी वानी पी के निकलते हैं हम लोग। और उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज का थोड़ा सा ये रहता है कि कभी कभार चाय वगैरह पीने के बाद होती है, कभी पहले होती है, डिपेंड ऑन द हस्बैंड के मूड के ऊपर रहता है कि उनको किस टाइम पे करना है। तो बस ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैंने आज खमन बनाए थे। और ये देखिए कुछ ऐसे ना एंगल्स में ये वाइट कलर के दिख जाते हैं खमन, और कुछ एंगल में येलो कलर के दिखते हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। सो ये एक्चुअली ये येलो ही है क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है। रेसिपी फुल मैंने शेयर नहीं की है, ये इंस्टेंट खमन है। तो बस वैसे मेरे को पसंद है इंस्टेंट खमन, कोई भी इंस्टेंट खमन हो गया, ढोकला हो गया, मुझे पसंद है। लेकिन ना इसमें ये खमन में क्या होता है, जो इंस्टेंट वाले होते हैं ना बेसन के, उसमें शुगर वगैरह डालो तभी अच्छे लगते हैं। और जो सूजी के होते हैं ढोकला, उसमें कोई शुगर वुगर नहीं जाता, इसलिए मैं ज़्यादा प्रीफर वो सूजी वाले करती हूँ। लेकिन फॉर अ चेंज इस बार मैंने ये बनाया ये मॉर्निंग में। मैं लंच में ले लूँगी इस, लेकिन अभी हस्बैंड की दवाई वगैरह है ना, तो थोड़ा सा कुछ इस तरह का दे ही देती हूँ मैं। और मौसमी के लिए, मौसमी को ये बेसन से एलर्जी है, वो नहीं खा सकती, कभी होता है कभी नहीं होता है उसे, तो वो चांस नहीं लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कैरेट को सॉटे करके दिया है उसको ब्रेकफास्ट में। उसने जो डिमांड की वही मैंने किया। साथ ही साथ यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉवर भी सेट कर रही हूँ, क्योंकि चीज़ें ना यहाँ वहाँ हो जाती हैं कि जल्दी जल्दी काम करने में, तो थोड़ा सा बस इन बिटवीन इस तरह का टाइम मिल जाए तो इसे भी थोड़ा सा सेटिंग कर देती हूँ। तो बस ये ड्रॉवर में करने के बाद यहाँ पे लंच की तैयारी करूँगी। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ दही भी जमाने को रखा है, ना जमाने को, अभी तो ठंडा करने का रखा है दूध को, क्योंकि श्रीखंड का ऑर्डर आया है अभी, तो इस हिसाब से उसको भी साथ ही साथ करना है। पहले सोचा कि मैं मना कर देती हूँ कि चलो नहीं अभी नहीं लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल चल रहा है ना, क्योंकि हस्बैंड का भी टेक केयर करना पड़ता है। लेकिन फिर सोचा कि नहीं चलो बना ही देती हूँ। तो उसके लिए मैंने दूध को ना गर्म कर लिया था, उसको थोड़ा सा पानी के अंदर डिप करके रखा है, जिससे जो पॉट होता है ना उसको जल्दी से ठंडा हो जाए तो मैं दही जमा सकूँ इसका, क्योंकि 6-7 आवर्स तो लग ही जाते हैं उसको जमते ही। तो 2-3 दिन दही बनाने में लग जाते हैं, उसके बाद श्रीखंड बनाऊंगी। तो मैं जिस किसी का भी ऑर्डर आए ना, तो उसको टाइम लेती हूँ, कहती हूँ कि 3-4 दिन तो आराम से लग ही जाएंगे, तो सामने वाले एग्री भी हो जाते हैं। यहाँ मौसमी दवाई वगैरह छिड़कने गई थी, एवरी वीक जाती है वो उसका डिपार्टमेंट है। मैं वो ज़्यादा अभी यार्ड में जा भी नहीं रही हूँ, बस कभी कभार निकल जाती हूँ नज़र डालने के लिए। तो यहाँ 3 दूधी निकली थी, एक छोटी वाली लेके आई थी और ये बड़ी बड़ी सी निकली है दो। तो अभी मैंने उसको ना नीचे ही रख के ऊपर रख दिया है, क्योंकि उसको धोना है। कुछ मुझे बग्स भी उसके ऊपर दिख रहे थे, तो तात्कालिक तो उसको मैंने वहाँ रखा, फिर उसके बाद बाहर ले गई और बाहर जाके मैंने वॉश किया, क्योंकि सारे बग्स अंदर भी आ जाते हैं ना इस हिसाब से। तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, राई डाल दिया है, मेथी और हींग, और थोड़ी सी भिंडी थी। मैं ना नॉनस्टिक के बर्तन मेरे घर में ज़्यादा नहीं है, ये फ्राइंग के लिए रखा था। और जो नॉनस्टिक का मैं भिंडिया के लिए यूज़ करती हूँ ना, वो बहुत बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, इतना बड़ा भी नहीं है। तो आज बस सोचा कि नहीं थोड़ी सी है तो ये वाले ले लेती हूँ फ्राइंग पैन में ही, तो इसमें ही बना दिया। थोड़ी सी मिर्ची फ्राई करके मैंने निकाल दी थी हस्बैंड के लिए, उनको साइड में मिर्ची चाहिए ही चाहिए। और ये लविंगिया मिर्ची, हम लोग लविंगिया बोलते हैं, जो थाई चिली होती है ना, काफ़ी तीखी वाली होती है, वो वाली चाहिए उनको। वैसे बोलते हैं कि मुझे एसिडिक प्रॉब्लम है, अगर फ्रूट वगैरह दे दो ना तो ना खाने के बहाने, तो बोलते हैं कि नहीं मुझे एसिड हो जाता है तो वो नहीं लूँगा। लेकिन मिर्ची से नहीं होता है, जिसको पसंद होती है ना वो ही जाने ये चीज़। मेरे को इतना तीखा पसंद नहीं है, तो चले हर हर किसी की अलग चॉइस होती है।
तो मैंने बस वो थोड़े से फ्राई करके रख दिए हैं यहाँ पे, तो साथ में वो लंच के साथ ले लेंगे। तो बस यहाँ भिंडा बना रही हूँ, और साथ में आपने देखा आगे कि दूधी के छिलके का संभारा भी बना रही हूँ, तो वो मैंने साइड पे लगा दिया है और वो भी ऑलमोस्ट डन हो गया है यहाँ पे। तो आज बन रहा है दूधी के छिलके की सब्जी, मीन्स हम लोग संभारा बोलते हैं इसे, और आगे भी इसकी रेसिपी मैंने शेयर कर रखी है, तो रेसिपी डिटेल में नहीं करूँगी यहाँ। और साथ ही साथ भिंडा बन रहा है, और यहाँ पे मैंने कोदरी ली है। जहाँ मैं वॉक लेते लेते बात वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो थोड़ी सी सांस चढ़ रही है, आपको आवाज़ आ रहा होगा शायद इसमें। तो साथ में मैं यहाँ पे कोदरी बना रही हूँ। आजकल कोदरी ही बनती है, कोदरी या मोरियो हो जाता है। हस्बैंड राइस वगैरह अभी अवॉइड कर रहे हैं, रोटी भी बहुत ही कम खाते हैं, एक आधा। ये हॉस्पिटल से आए ना तब से ग्लूटन उनको, वैसे तो मौसमी बहुत स्ट्रिक है इन चीज़ों में, मैं थोड़ा सा छूट दे देती हूँ कि चलो यार थोड़ा सा खा लो। होता है कि जो जो इंसान ने पूरी ज़िंदगी अपने खाने पीने में कोई भी सेक्रीफाइस ना किया हो, वहाँ यहाँ तक कि ना डाइट में बिल्कुल भी बिलीव ना किया हो, तो थोड़ा सा हार्ड होता है। लेकिन अच्छे के लिए ही मौसमी उनके पीछे स्ट्रिक रहती है ना, और अच्छी भी बात है। मैं अगर हो ना तो थोड़ी सी ढीली हो जाती हूँ इन चीज़ों में कि चलो यार कोई नहीं थोड़ा सा दे देते हैं, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक है। और किन किन घरों में होता है ना कि डैडी होते हैं वो बेटियों की बात ही मानते हैं, वाइफ की नहीं मानते लेकिन बेटी की सुनते हैं। सो हमारे यहाँ भी यही है। तो बस यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया है। सुबह जो कैरेट मैंने इसमें सॉटे किया था कास्ट आयरन में, उसको भी साफ करके सीजन कर दिया है। और यहाँ पे ना हस्बैंड को ये होता है, क्या बोलते हैं, शोल्डर पेन, पता नहीं शायद मसल्स पुल हो रहा है, काफ़ी सालों से है लेकिन ये ध्यान नहीं देते इतना ज़्यादा, और अभी ये बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे मैं कैस्टर ऑयल से मालिश कर देती हूँ दिन में एक आध बार, कई बार दो बार हो जाता है सोने से पहले भी, क्योंकि फिर उनको रात को नींद नहीं आती इसके हिसाब से। तो मेरा जिस तरफ से टाइम रहता है ना, जिस हिसाब से, उस हिसाब से मैं करते जाती हूँ। तो यहाँ पे ये करके फिर हीटिंग पैड ऊपर लगा देती हूँ, कई बार कपड़ा गर्म कर करके लगाती हूँ तो अच्छे से वो एब्जॉर्ब हो जाए ना ऑयल। तो ये पेन भी ना मूव होता है इनको, कभी बोलते हैं यहाँ हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, तो उस हिसाब से जो डायरेक्शन देते हैं मैं वो करती जाती हूँ। और लंच वगैरह किया यहाँ, और उसके बाद कई दिनों से ना बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं फ्रेंड्स वगैरह, और जाते भी हैं वो लोग और मैं अवॉइड करती हूँ। सो लास्ट 2 मंथ से मैं कहीं भी नहीं निकली जब से इनको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि काम से भी नहीं मिलता और माइंड भी वहाँ रहता है। लेकिन अब थोड़ा सा सेटिंग हो गया है, तो सब बोल रहे कि नहीं बस चल ही चल, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश होगा। तो आज हम लोग सब जा रहे हैं फ्रेंड्स अकेले, सिर्फ लेडीज़ ही, मैक्सिकन रेस्टोरेंट। तो हस्बैंड ने भी बोला कि नहीं चली जा, तो थोड़ा भी थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। पहले मना कर देते थे मेरे हस्बैंड ना, कहीं जाने नहीं देते थे पहले, कहीं भी नहीं। लेकिन अभी उनका पता नहीं थोड़ा सा नेचर चेंज हो गया है कि नहीं, बोल रहे कि नहीं चली जा, अदरवाइज़ बस हम फैमिली ही जाएंगे, इस तरह से होता था। मैं इतने सालों में कहीं भी फ्रेंडों के साथ नहीं गई हूँ, सो अभी अभी जा रही हूँ। लास्ट 2 साल से इतना नहीं लेकिन थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मौसमी उसको ना दूधी के छिलके की ये सांभारा और राइस, इस तरह का मोरियो जो भी हो, कोदरी वगैरह, वो पसंद है। लेकिन आज उसका थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है तो उसने छोड़ दिया। तो मैं उसके लिए छाछ बना रही हूँ। दिन में भी दोनों ने छाछ लिया था लंच के साथ, मैंने नहीं लिया था। और आप यहाँ देख सकते हो नेल पॉलिश, बस मैंने नेल पॉलिश वगैरह की, और अभी तैयार होंगी और फिर निकलूंगी बाहर, जैसे मैंने कहा फ्रेंड्स वगैरह जा रहे आजू हैं। बाजू ना छोकरो रम्मा होसी ओए टावर टावर आपकी पसंद है ला 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 देखो आपकी पसंद है वो लाओ से दादी राजू रे आयो ना आयो तो गई ने तो उली कर दी ले ले मैं दो फल तो पहले को करता जैसे मीना आमा सु जाए ना तुम्हें दे जाओ ने ये लोग को हम तो कापड़ा मैं अपना सी हमला हमला